नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारा पावर आईसी के ऊपर है। तो आज दोस्तों जो अपना वीडियो होने वाला है ये पावर आईसी के ऊपर, आज दोस्तों जो वीडियो होने वाला है ये पावर आईसी के ऊपर कि हमारे पास जो मोबाइल फोन के अंदर जो पावर आईसी लगी होती है वो कैसे काम करती है और पावर आईसी को मोबाइल फोन में पहचानने का तरीका क्या होता है या मोबाइल फोन में कितने तरीके के पावर आईसी लगी होती हैं या पावर आईसी को मोबाइल फोन में पहचाना कैसे जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये पावर आईसी के ऊपर पूरा होने वाला है। तो आज हम आपको पावर आईसी के बारे में पूरा सिखाने वाले हैं ए से लेकर जेड तक। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकल कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने आगे वीडियो के ऊपर और हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग करेंगे। मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए हमको जो छोटी 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 बातें होती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो सारे सीखने होते हैं। जब वो सीखेंगे तभी हम मोबाइल फोन को अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मैसेज करते हैं कि सर मुझे आईसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे जरा आईसी के बारे में वीडियो दीजिए, तो कि मैं उन्हीं बच्चों के लिए आईसी के बारे में बहुत सारी सीरीज लेकर गया हूँ ताकि वो आईसी के बारे में अच्छे से सीख सकें। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर, आगे समझते हैं आईसी के बारे में। जैसे अगर आप देखेंगे मोबाइल फोन में आईसी में बहुत सारी मेरे पास पावर आईसी है, ये आईसी है, ये आईसी है, ये आईसी, ये हमारे पास बहुत सारी आईसियाँ हैं, तो हम लोग इनके बारे में पहचानते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है पावर आईसी। यह आईसी सेट में सप्लाई देने का वर्क करती है। यह आईसी मोबाइल फोन में क्या काम करती है, सप्लाई देने का काम करती है। जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में ये सप्लाई देने का काम करती है। तो यह आईसी सेट में सप्लाई देने का काम करती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास में आरटीसी क्रिस्टल बूस्ट कॉइल राउंड कॉइल बक कॉइल या कैपेसिटर लगे होते हैं। तो पावर आईसी की पहचान क्या होती है कि पावर आईसी जो भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में जो लगी होती है, तो पावर आईसी की खास बात क्या होती है, जहां पर भी मोबाइल फोन में आपके लगे होती है तो इसके पास में बहुत सारी इस तरीके से कैपेसिटर हैं या बहुत सारी मोटे मोटे सी कॉइल हैं कैपेसिटर हैं या आरटीसी क्रिस्टल, एक लंबा सा क्रिस्टल भी होता है आरटीसी क्रिस्टल। तो ये हमारे मोबाइल फोन में पावर आईसी के चारों तरफ ये सारी चीजें क्या होती हैं, लगी होती हैं। अच्छा, पावर आईसी सीपीयू के अकॉर्डिंग लगती है। पावर आईसी भी जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में सीपीयू के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे यदि मान लिया तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता है और उस मोबाइल फोन के अंदर क्वालकॉम का सीपीयू लगा होता है तो फिर उसमें क्वालकॉम की ही पावर आईसी लगी होती है।
जिसको हम पीएम नाम से जानते हैं। यदि तुम्हारे पास मीडिया टेक का सीपीयू लगा होता है तो उसमें फिर मीडिया टेक की ही पावर आईसी लगी होती है। किसकी लगी होती है? मीडिया टेक की ही पावर आईसी लगी होती है, ऐसा हमारा बोर्ड में देखा जाता है। अगर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है तो उसमें स्पेक्ट्रम की पावर आईसी लगी होती है। तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर जो पावर आईसी भी आती है वो भी सीपीयू के अकॉर्डिंग लगी होती है। अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उसमें क्वालकॉम की पावर आईसी दिख जाती है और सेक्शन दूसरी तरफ होता है तो आप पावर आईसी को देख करके समझ सकते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा है, इसलिए क्वालकॉम की पावर आईसी लगी है। तो ये हमारे बोर्ड में पावर आईसी पहचानने का तरीका होता है कि यह आईसी सेट में सप्लाई देने का काम करती है। इसकी पास में आरटीसी क्रिस्टल या बूस्ट कॉइल, राउंड कॉइल, बक कॉइल, कैपेसिटर लगे होते हैं। अब देखिए पावर आईसी का काम क्या होता है, ये पावर आईसी हमारे मोबाइल फोन में क्या काम करती है, पावर आईसी काम करने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर ये पावर आईसी लगी है। पावर आईसी को काम करने के लिए हमारा 3.7 वोल्टेज चाहिए। जब ये 3.7 वोल्टेज पावर आईसी को मिल जाता है तो पावर आईसी क्या काम करती है, अपने अंदर से बहुत सारे वेरियस वोल्टेज कॉइल के माध्यम से, कैपेसिटर के माध्यम से, इस तरीके से बहुत सारे वोल्टेज क्या करती है, आउटपुट करती है। ये वोल्टेज आउटपुट का मतलब होता है ये किसी अलग अलग सेक्शन को चलाते हैं, जो हमारे जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गया, सिम सेक्शन हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ऑन ऑफ हो गया, या मोबाइल फोन के अंदर और भी कैमरा हो गया, सेंसर हो गया, डिस्प्ले लाइट हो गए। इस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर बहुत ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पर सर्किट में ये वोल्टेज आते हैं। तो पावर आईसी अपने पास वोल्टेज लेकर के वी आई ओ है या वी रेग है, इस तरीके से हमारे लाइनों को जनरेट करती है। अब वो लाइनें जनरेट होने के बाद हमारे आगे के सेक्शन ऑन होते हैं, आगे के सेक्शन चालू होते हैं। तो पावर आईसी क्या होता है, एक एसएमपीएस की तरह काम करती है। एसएमपीएस का मतलब होता है कि एक ऐसी आईसी जो अपने अंदर एक करंट को लेकर के कई सारे करंट को आउटपुट करे, जिससे हमारा पूरे मोबाइल फोन के सर्किट ऑन हो, हमारे मोबाइल फोन के पूरे सर्किट चले। अगर किसी भी सेक्शन को, किसी भी सर्किट को अगर काम करने की जरूरत है तो काम कैसे करेगा, उसको पावर चाहिए। तो पावर दोस्तों कहाँ से मिलने वाला है, पावर आईसी के माध्यम से आपको पावर सप्लाई मिलेगा। अब वो कई अलग अलग वोल्टेज, जैसे मान लो सिम चलेगा तो उसको 2.8 वोल्टेज चाहिए तो पावर आईसी 2.8 वोल्टेज देगी। अगर मान लिया तुम्हारा ऑन ऑफ चलेगा 1.8 से चलेगा तो उसको 1.8 वोल्ट सप्लाई देगी। अगर कैमरा तुम्हारा 3.1 वोल्टेज से चलेगा तो उसको 3.1 वोल्टेज सप्लाई देगी। तो इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन को जो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वो हमारी पावर आईसी आउटपुट करती है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं कि इसको बोर्ड में कैसे देखते हैं, बोर्ड में पहचानने का तरीका क्या होता है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप पावर आईसी को बोर्ड में आप कैसे पहचानेंगे, इस आईसी को बोर्ड में कैसे देखेंगे। ये देखिए, ये जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने दो अलग अलग तरह के बोर्ड रख रखे हैं। एक बोर्ड मेरे पास ये है, दूसरा बोर्ड मैंने ये है। मैंने इस तरीके से आपको इसलिए सेट किया हुआ ताकि मैं आपको आसान भाषा में आपको अच्छे से समझा सकूं। जैसे अगर आप देखेंगे ये हमारे पास जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर दो पावर आईसी लगी हैं। किसी बोर्ड में दो दो पावर आईसी आती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वालिकॉम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर पीएम लिखा हुआ, पीएम 6150। क्या लिखा हुआ है? पीएम 6150। यहाँ पर भी देखो क्वालिकॉम सीपीयू लगा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम 6250। ये क्या था? पीएम 6150, यहाँ पर लिखा पीएम 6250। तो ये दोनों पावर आईसी हैं। पावर आईसी की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था उसमें चारों तरफ कॉइल लगी होती हैं। ये बहुत सारी कॉइल लगी हैं और ये बहुत सारे कैपेसिटर भी हैं। क्या लगे हैं? बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं। तो ये हमारी कौन सी आईसी? ये पावर आईसी। ये देखो बहुत सारी कॉइलें लगी हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये क्वालिकॉम के लिए क्वालिकॉम लगा, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे कौन से मीडियाटेक लिखा हुआ है, जो ये मीडियाटेक की पावर आईसी है। मीडियाटेक की पावर आईसी के बाद में देखिए बहुत सारी कॉइलें लगी हैं, ये बहुत सारे कैपेसिटर भी हैं। तो ये हमारे क्या है, ये पावर आईसी की पहचान होती है। अब पावर आईसी देखिए काम कैसे करती है, काम करने का तरीका क्या होता है। पावर आईसी जो आपके मोबाइल फोन में जब काम करेगी तो इसका काम क्या होता है कि अपने अंदर वोल्टेज ले लेना। जैसे पावर आईसी के अंदर वोल्टेज आ गया, अंदर घुस गया, ये वोल्टेज कितना आ जाएगा? 3.7 वोल्टेज। अब ये पावर आईसी कॉइल के माध्यम से वोल्टेज को आउटपुट करेगी। उसमें तो कुछ वोल्टेज पावर आईसी के अंदर आते हैं और पावर आईसी के अंदर ही घुस जाते हैं, लेकिन कुछ वोल्टेज बाहर भी निकलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, एक वोल्टेज लेकर के कई सारे वेरियस वोल्टेज को निकालना, ये हमारी पावर आईसी का काम होता है।
जैसे इसको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज का आने के बाद फिर कई सारे अलग अलग वोल्टेज निकालेगी। तो इसका काम होता है एक तरह से वोल्टेज लेकर के बहुत सारे कई सारे अलग अलग वेरियस वोल्टेज निकालना, जो एसएमपीएस की तरह काम करता है। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये हमारी जो पावर आईसी लगी है सभी मोबाइल फोन में पाई जाती है। ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं बना जिस मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी ना हो। अगर पावर आईसी नहीं है तो मोबाइल फोन ही नहीं। जैसे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर मान लिया आपके पास क्वालिकॉम का सीपीयू लगा हुआ है तो क्वालिकॉम की पावर आईसी लगी होती है, मीडियाटेक का सीपीयू लगा होता है तो मीडियाटेक की पावर आईसी होती है, स्पेक्ट्रम का होता है तो उसके अंदर स्पेक्ट्रम की पावर आईसी लगी होती है। तो इस तरीके से पावर आईसी जो होती है सीपीयू के हिसाब से मैच करके लगाई जाती है। क्यों सीपीयू के हिसाब से मैच करके लगाई जाती है? इसलिए क्योंकि जितने भी सारे सीपीयू होते हैं सबका अपना अलग अलग फंक्शनल वर्क होता है। जैसे क्वालिकॉम अपने हिसाब से काम करता है, मीडियाटेक अपने हिसाब से काम करता है, स्पेक्ट्रम अपने हिसाब से काम करता है। जब सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं तो उनको सबकी अलग अलग तरीके की पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसी तरीके से पावर आईसी बनाई जाती है जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब देखिए मैं आपको बोर्ड में पूरा डिटेल से समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये क्वालिकॉम का पावर आईसी लगा है, बहुत सारे कैपेसिटर हैं, बूस्ट कॉइल लगे हुए हैं, एक ये आईसी लगी हुई है, ये भी आपके पावर आईसी। इसमें दो पावर आईसी, एक ये है दूसरा ये पावर आईसी। ये आपका बोर्ड है, ये मेरे पास सैमसंग कंपनी का बोर्ड है। बोर्ड के अंदर हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ अगर आप चलेंगे यहाँ पर देखेंगे ये क्वालिकॉम लिखा हुआ है। तो ये आपके मोबाइल फोन में कौन सा आईसी है? सीपीयू आईसी है। ये आपके मोबाइल फोन में कौन सा आईसी है? एमएमसी आईसी है। देखो KM8YZ ये कौन सा आईसी है? एमएमसी आईसी है। ये आपका कौन सा लगा हुआ है? सीपीयू आईसी है। मैं आपका दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ। इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों मीडिया टेक का पावर आईसी लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6358 लिखा हुआ है, MT6658W ये आईसी लगी। इसके बाद में बहुत सारी क्वाइल हैं, बहुत सारे कैपेसिटर हैं, ये आपके मोबाइल फोन का पावर सेक्शन है। एक एक करके दोस्तों हम लोग सारी आईसीयू के बारे में वन बाई कर करके हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। ये देखिए मीडियाटेक लिखा हुआ है, ये हमारा सीपीयू है, ये हमारी एमएमसी आईसी लगी है। एक एक करके हम आपको सारी आईसी के बारे में बोर्ड में अच्छे से समझाते जा रहे हैं और आप लोग रिपेयरिंग को अच्छे से समझते भी जा रहे हो, अच्छे से रिपेयरिंग करने का तरीका समझते जा रहे हो। ये हमारी कौन सी आईसी लगी दोस्तों? पावर आईसी। उसके बाद में दूसरे बोर्ड है, उस बोर्ड में दिखाता हूँ। ये बोर्ड में देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है मीडियाटेक, मीडियाटेक की पावर आईसी लगी है। बहुत सारे कॉइल हैं, कैपेसिटर लगे हैं। तो ये हमारी पावर आईसी की पहचान है कि हम लोग पावर आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। उसके बाद में बहुत सारे कॉइल कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये आपके कौन सी आईसी लगी है? पावर आईसी लगी है। कौन सी आईसी लगी है? पावर आईसी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इतने तरीके के मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर आईसी लगी होती हैं और ये पावर आईसी पहचानने का तरीका होता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने आपको पावर आईसी के बारे में समझाया है कि पावर आईसी को मदरबोर्ड में कैसे पहचाना जाता है और पावर आईसी को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने जितने भी सारे मोबाइल फोन के अंदर जो पावर आईसी यूज हो रही है उसको मदरबोर्ड में आप कैसे पहचानेंगे उसका तरीका मैंने आपको बेसिकली आपको समझाया है, ताकि आप लोग जब भी मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करेंगे या मोबाइल फोन को रिपेयर करेंगे तो आप आईसीयू को एक बार में आप पहचान लेंगे कि ये मोबाइल फोन में ये आईसी लगी है और हमको इस आईसी को रिपेयर करना है, हमको दूसरे आईसी पे काम नहीं करना। जितने भी सारे नए टेक्नीशियन होते हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से रिपेयरिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो काम के नाम पर बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, अपने मन से ही काम कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं हो पाता। अगर वो इस वीडियो के माध्यम से काफी चीजों को सीख सकते हैं, या ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या ऐसे लोग हैं कई सालों से काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें तो पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो अपना यूट्यूब से जो भी उल्टा सीधा देख करके काम कर लेते हैं, जो हो जाता तो ठीक है, नहीं हो जाता तो भी ठीक है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार वो अपने आप को अपडेट करें और पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लें, ए से लेकर जेड तक पूरे मोबाइल फोन के बारे में सीखें, ताकि आप अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम कर लें और अच्छे तरीके से काम कर भी पाएं। और सबसे पहली बात यह है कि जो रिपेयरिंग का जो सेटअप है, जो आप लोग रिपेयरिंग का काम करने वाले हैं, जो लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने एक दिन के लिए किया है।
इसको हमने लाइफ टाइम काम करना है, हमको जीवन पर्यंत पूरे जीवन भर के लिए काम करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको जब कोई काम को जीवन भर करना है तो हमारा हाथ मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा हाथ मजबूत नहीं होगा तो फिर भाई ऐसे ही काम चलता रहेगा, आप झोला भर भर के मोबाइल फोन उठाते रहोगे, मार्केट में जाकर के पटक दोगे, दूसरा आदमी ठीक करेगा, आधा पैसा आपसे ले लेगा, आधा पैसा आप कमाओगे और आपका समय टोटली ऐसे वेस्ट जाता रहेगा। और अगर अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेते हो तो आप अपने काउंटर पर बैठ करके सारे मोबाइल फोन को रिपेयर करके दोगे, मैं इस बात के चैलेंज के साथ में कहता हूँ। तो दोस्तों, जो लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में पड़ता है। कानपुर सागर मार्केट जो है कानपुर रेलवे स्टेशन के 300-500 मीटर के नियर अबाउट पड़ती है। यहाँ पर सभी बच्चों को रहने की है, खाने पीने की, हॉस्टल की सारी सुविधा मिल जाती है, आराम से रह करके सीख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये जो कानपुर में सीखने का सबसे बड़ा एक फायदा ये रहता है कि यहाँ पर सागर मार्केट है, दुनिया जान में कहीं भी चले जाइए मोबाइल फोन की मार्केट तो नहीं है लेकिन ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन यहाँ मार्केट में सीखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप मार्केट में सीखेंगे तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए आता है। जब मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए आता है तो बच्चे लोग उस मोबाइल फोन को रिपेयर करते हुए या रिपेयर करते हुए देखते हैं, या जो भी मोबाइल फोन आता है जब बच्चे सीख जाते हैं तो खुद भी उस मोबाइल फोन को बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है उनका हाथ साफ हो जाता है, हाथ सेट हो जाता है और चालू मोबाइल फोन में काम करने का मौका मिलता है। वरना दुनिया जान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 10,000 का मोबाइल फोन दे और आपसे 15,000-20,000-30,000 रुपये फीस ले और 2-3 फोन भी डेड कर देते हो, तो उसका पैसा तो पानी में चला गया। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर सीखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली काम सीखने को मिलता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनुभव मिलता है, कोई भी फोन बनने के लिए आता है भाग के जाते हो, तुरंत सामान ला करके मोबाइल फोन में डाल देते हो, मोबाइल फोन को ठीक कर देते हो और आपको भी पता चलता है, कस्टमर का भी काम होता है। हम लोग यहाँ पर फ्री मोबाइल फोन बनाते हैं, जितने सारे मोबाइल फोन बनने के लिए आते हैं बच्चे लोग बनाते हैं तो उनको एक आइडिया लगता है कि एक्चुअली कस्टमर में काम कैसे किया जाएगा। जैसे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वाक्य, एक हमारे पास एक मोबाइल फोन आया था बनने के लिए, उस मोबाइल फोन के अंदर छोटी सी प्रॉब्लम थी जिस कारण से उनका मोबाइल फोन चार्जिंग की वजह से बंद हो गया था। उनको फ्री में मोबाइल फोन बनवाना था, मार्केट में दिखाया कि उनको 200-300 रुपये मांग रहा था, फिर किसी ने बोला कि अगर तुमको फ्री में बनवाना तो जाओ आप स्टोर चले जाओ। तो मेरे पास आया मोबाइल फोन बनवाने के लिए, तो यहाँ पर बच्चों ने उस मोबाइल फोन में फॉल्ट को चेक किया और फॉल्ट में चेक करने के बाद कोई इसमें ज़्यादा कमी नहीं थी और मोबाइल फोन ऐसे ही ठीक हो गया। वो लोग कह रहे थे कि सर मुझे इस मोबाइल फोन में फ़ोन का 200-250 रुपये मांग रहे थे, जबकि मुझे आइडिया था कि मोबाइल फोन ऐसे ही बंद हो गया है, ऐसे ही कुछ हो गया है। लेकिन बस जानते हो कस्टमर अपनी बात को तो कहता है कि भाई ऐसे ही बंद हो गया, लेकिन उसकी चीज़ तो खराब हुई है। लेकिन हमारे पास जो लोग ठीक कराने के लिए आते हैं तो हम लोग उसका पैसा नहीं लेते। बच्चों ने भी उस मोबाइल फोन फॉल्ट को ठीक किया, उन्होंने भी फॉल्ट को ठीक होते हुए देखा, उनको लगा कि कितना आसान तरीके से इस काम को किया जा सकता है, या बच्चों ने भी जब उस मोबाइल फोन के फॉल्ट को बनाया तो उनको भी चालू मोबाइल फोन में सीखने का मौका मिला। तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे बच्चे लोग हैं वो पूरा दिन क्लास करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस होती है, पूरा दिन ट्रेनिंग दिया जाता है, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सीखते हैं, ए से लेकर जेड तक। और आज हमारे पास एक स्टूडेंट है जो अमेठी के रहने वाले हैं, उन्होंने आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया है और वो अच्छी तरीके से कोर्स को सीख करके जाएंगे। और भी हमारे सारे बच्चों के लिए नए बैचेस बने हैं, तो आप आना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं आना, आपको पहले फ़ोन करना है, इन्फॉर्मेशन ले लेना है और कब बैच बनेगा, कब क्लास स्टार्ट होना है, तो इसकी भी जानकारी आपको ले लेना है। यहाँ पर आपको अमित सर आपको सारी जानकारी देंगे, कोर्स को कैसे सीखना है, कैसे आप आएंगे, क्या क्या सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, इसको सीखने में कितना खर्चा लगता है, आपको आने में कैसे रहेगा, ये सारा जो तौर तरीका होता है वो सर आपको पूरा समझाते हैं। और आप नीचे हुए दिए हुए नंबर पर 6391-711-711, 6391-211-211 दोनों नंबर पर किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर सकते हो, या क्लास लेते हुए देख सकते हो कि कैसे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे आपको क्लास कराई जाती है और कैसे आप ए से लेकर जेड तक सीख करके जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। और दोस्तों अगर आप वीडियो आपको समझ में आती है तो एक बात तो आपसे जरूर गुजारिश करूँगा कि आप एक पॉजिटिव कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर हम आपको सिखाने में इतना कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए मदद करिए और अच्छे तरीके से सीख करके जाइए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।